हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनीत्राय ट्यूटोरियल क्लासेस। तो कैसे हैं? तो चलिए, बहुत दिनों के बाद एक नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आज के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो हम लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम से है कि आखिर ये केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में पूछा क्या जाएगा, पेपर कैसा होगा और हमारे उसके पैटर्न क्या होंगे, क्या कौन सा साल्ट दिया जा सकता है, कौन सा ऑर्गेनिक साल्ट होगा, कौन सा इनऑर्गेनिक साल्ट होगा, इन सब के बारे में एक फुल डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बगल में जो बेल आइकन की घंटी भी उसको प्रेस कर दें। तो देखिए बच्चों, मेरे बोर्ड के में जो आप लोगों ने ये जो पैटर्न देखा, ये एक्चुअल में आपके एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न है। आपका जब भी केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो उनमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो यही होगा, टू डिटरमिनेशन द मोलैरिटी स्ट्रेंथ एंड द गिवन ऑफ केमेनोफोर सोल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट M/20 सोल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। ये पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये एक ग्रुप के बच्चों को दिया जाएगा, यानी ये एक्सपेरिमेंट 10.2 है, फेरस अमोनियम सल्फेट 10.2 है, जिसमें आपने M/20 KMnO4 के सॉल्यूशंस को आप फेरस अमोनियम सल्फेट से क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं। और दूसरा एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा ऑक्सैलिक एसिड का। तो लेकिन ऑक्सैलिक एसिड में हमारा जो KMnO4 का जो मोलैरिटी है वो M/40 है। तो इस प्रकार से एक ग्रुप को फेरस अमोनियम सल्फेट का टेस्ट निकालने के लिए दिया जाएगा और दूसरे ग्रुप को ऑक्सैलिक एसिड का दिया जाएगा। और ये जो क्वेश्चन होंगे बच्चों 8 नंबर के होंगे। तो रीडिंग वही लिखना है जो आप लोगों ने टाइट्रेशन करते समय आपने लिखा है, कि उसमें जैसे अगर आपका फेरस अमोनियम सल्फेट का था तो इसमें आपका 21.2 आया था और ऑक्सैलिक एसिड का था तो ये कितना 18 point something आया होगा। आप आपके बुक में ये बात ऑलरेडी डिस्क्रिप्टेड है तो आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। तो आपको इसमें क्या क्या लिखना है, जैसे बात है इसमें सबसे पहले आपको एम लिखना होगा, तो ये आपका एम हो जाता है। उसके बाद ऑपरेटस, उसके बाद रिएक्शंस, उसके बाद आपको इसमें थ्योरी लिखनी पड़ती है और थ्योरी के बाद बच्चों इसमें आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बताना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आपको इसमें कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, कैलकुलेशंस के बाद आपको रिजल्ट्स लिखना होता है। लेकिन भूल करके भी आप प्रोसीजर नहीं लिखेंगे। और दूसरी जो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन ये है इनऑर्गेनिक साल्ट की, ये बच्चों अलग क्वेश्चन है जिसको हम लोग एसिडिक या बेसिक रेडिकल कहते हैं और ये भी क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। इसमें बच्चों एक इनऑर्गेनिक कैटायन और एक इनऑर्गेनिक एनायन दिए जा सकते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा सर वो कौन कौन से इनऑर्गेनिक साल्ट कैटायन दिए जा सकते हैं, तो इसको बच्चों लिख लीजिए कि वो कौन कौन से साल्ट आ सकते हैं। पहला साल्ट आपको दिया जा सकता है अमोनियम का, दूसरा साल्ट आपको प्रोजेक्टेड है एल्युमिनियम का, तीसरा साल्ट आपको प्रोजेक्टेड है लेड का। तो ये 3 साल्ट आप लोगों में से कोई एक साल्ट आपको मिल सकता है, इस नाते इनको आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और ये तो होंगे आपके कैटायन के, तो इनको आप अच्छे से ढंग से लिख के तैयार कर लीजिएगा। इनमें से कोई एक ही आपको लिखना होगा हर ग्रुप में, ये एक ग्रुप में कोई एक ही जाएगा। और इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा माने एनायन का, एनायन में आपको कार्बोनेट तैयार कर लीजिएगा, एक कार्बोनेट दिया जा सकता है, एक एसीटेट दिया जा सकता है और एक आपको क्लोरीन यानी क्लोराइड टेस्ट किया जा सकता है। तो कार्बोनेट, एसीटेट और क्लोराइड, बस इसी में से आपका एक एग्जाम में से पक्का आएगा हर ग्रुप में, यानी ये इसके साथ बन सकता है, ये इसके साथ बन सकता है, ये इसके साथ बन सकता है। तो आप इन केवल इन्हीं 3 साल्ट को आप तैयार कर लीजिएगा, किसके लिए, इनऑर्गेनिक साल्ट के लिए। उसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन होगा जो आपको लिखना होगा, बच्चों याद रखिएगा इन सारे क्वेश्चन को आपको आपके कॉपी में जो आपके प्रैक्टिकल की कॉपी में दी जाएगी और यही साल्ट ही दिए जाएंगे, इस नाते आप इसके लिए निश्चिंत होकर के आप इनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा। हो सकता है वाइवा में भी इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएं, तो इस नाते आप इनकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। उसके बाद है लास्ट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड दिए जा सकते हैं, तो इसमें 2 या 3 ही प्रोजेक्टेड हैं। पहला दिया जा सकता है इसमें एल्डिहाइड का, दूसरा दिया जा सकता है
अल्कोहल का, फिनॉल का। तीसरा दिया जा सकता है कीटोन का, और चौथा दिया जा सकता है एस्टर का। तो इनमें से कोई सा भी एक आपको लिखना होगा, एक ही लिखना होगा, सारे नहीं, एक। या तो एक ग्रुप को ये दिया जा सकता है या ये दिया जा सकता है। एक्चुअल में बच्चों एल्डिहाइड के साथ कीटोन टेस्ट इस नाते दिया जा सकता है कि जब टॉलन रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड का टेस्ट दिया जाता है तो वो अगर टेस्ट ट्यूब की दीवार पर सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, यानी वो टेस्ट ट्यूब बिल्कुल चांदी की जैसे चमकने लगे, तो ये हमारा एल्डिहाइड का कन्फर्मेटरी टेस्ट है। लेकिन अगर वही सेम सोल्यूशन में सिल्वर डिपॉजिट नहीं होता है तो कीटोन दिया जाता है। इसी नाते बच्चों ये दोनों एक साथ दिए जाते हैं। एल्कोहल का टेस्ट कैसे करते हैं? एल्कोहल अगर है तो सिंपल सी बात यह है, इसमें हम लोग क्या डालते हैं, एसिटिक एसिड डाल देते हैं, एसिटिक एसिड और थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर उसमें परफ्यूम जैसी स्मेल आने लगे तो हमारा एल्कोहल कन्फर्म हो जाता है। नहीं होता है तो हमारा एक्चुअल में कहीं ना कहीं दोनों को रिलेट करते, क्योंकि इसमें भी एस्टर का ही फॉर्मेशन करना होता है कि अगर कोई एस्टर है तो हम उसमें एल्कोहल और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मिला करके थोड़ा सा एस्टोसोफोर ऐड कर देते हैं। तो इतने सारे ये टेस्ट हैं। तो आपको इतने ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप तैयार करने हैं, इतने कैटायन तैयार करने हैं, और इसमें दो हो जाता है, अगर फेरस अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया जाएगा तो वो M/20 होगा, या तो अगर ऑक्सैलिक एसिड का लिया जाएगा तो वो M/40 होगा। तो बच्चों पेपर का पैटर्न और फॉर्मेट आप देख लें, अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत होगी तो आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है ना, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर मैं तो हूँ ही। तो बच्चों आज आप ये पूरे से देख लीजिए, यही पेपर का फॉर्मेट, यही पेपर ऐसे ही आएगा। तो जब आपको ये पेपर मिलेगा तो सबसे पहला काम ये होगा कि अपने प्रैक्टिकल के, जैसा आप लोगों ने फिजिक्स के प्रैक्टिकल में किया था कि आप इन सारे क्वेश्चंस को सबसे पहले अपने पेज के सबसे ऊपर वाले हिसाब में लिख लेंगे, ये लास्ट ये दो छोड़ करके, रिकॉर्ड और प्रोजेक्ट ये छोड़ करके बाकी सब आप राइट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद वन बाय वन आप सारे क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करेंगे, बी कॉपी लेने की कोशिश मत करिएगा। तो बच्चों अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की डाउट्स हो तो आप मुझे फिर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सब्बा खैर।